भारत में रीजनल कंटेंट का मार्केट तेजी से फैल रहा है और रीजनल लैंग्वेज का कंटेंट प्रोड्यूस भी किया जा रहा है और इसे काफी देखा भी जा रहा है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस देखने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है और अब इन प्लेटफॉर्म्स पर रीजनल कंटेंट की भरमार हो गई है। ये बात एक रिपोर्ट इंडियन OTT प्लेटफॉर्म्स 2019 में सामने आई है और शायद यही कारण है कि भारत में रीजनल कंटेंट दिखाने वाले नए OTT प्लेटफॉर्म्स मार्केट में आ रहे हैं, जिसमें होइछोई और उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। बंगाली भाषा में फिल्में और सीरीज के लिए मशहूर होइछोई पर यूनिक विजिटर्स की संख्या में 85% बढ़त देखी गई है। साल 2018 के मार्च तक इन विजिटर्स की संख्या 77,000 थी, जो साल 2019 के मार्च तक 1,40,000 हो गई। इन आंकड़ों से साफ है कि रीजनल कंटेंट का मार्केट तेजी से फैल रहा है। साल 2018 में भारत में दर्शकों ने जिन प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया, उसमें सबसे ऊपर है यूट्यूब, उसके बाद हॉटस्टार, फिर तीसरे नंबर पर आता है जियो, चौथे नंबर पर अमेज़न प्राइम और फिर है वूट। यूट्यूब पर देखे जाने वाले वीडियोस में से 97% कंटेंट क्षेत्रीय भाषा में देखा गया। इस साल आई फिक्की EY की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में OTT प्लेटफॉर्म्स की खपत बढ़ी है और रीजनल कंज्यूमर्स को इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है। ललिता कश्यप, गो न्यूज़।